हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? लाए हैं कुछ ऐसे खतरनाक वॉर्म्स के बारे में जानकारी, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। सो बिना टाइम किए वे वेस्ट, लेट्स बिगिन। पहला है ग्विनिया वॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रैकोनक्यूलस मेडेंसिस। ये 800 सेंटीमीटर तक लंबाई में होते हैं। ये फाइलम नेमाटोडा के सदस्य हैं। सबसे पहले इन वॉर्म्स को वेस्ट अफ्रीका के ग्विनिया कोस्ट में देखा गया था 17th सेंचुरी में। ग्विनिया वॉर्म की खास बात यह है कि ये केवल मैमल्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इंसानों में ये ज़्यादा नहीं पाए जाते। इसके कारण 2018 में केवल इसके 28 केस ही सामने आए। दूसरा है पोक टेप वॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम। ये 5 मीटर तक लंबाई में होते हैं। ये सभी देशों में पाए जाते हैं। इसलिए 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ये 5.3 मिलियन ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया गया। ये वॉर्म हमारे पेट से पूप के द्वारा बाहर निकल कर जाता है और जिसे सुअर खा लेते हैं, और फिर ये सुअर के पेट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और अगर फिर हम लोग अगर सुअर को खाए तो हमारे अंदर वापस आ जाता है। सो अमेजिंग। थर्ड है ब्लड फ्लूक, इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टिसोमा मैनसोनी। ये 5 मिलीमीटर तक लंबाई में होते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। ताइवान में ये वॉर्म ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। 2018 की रिपोर्ट में पाया गया कि 800 मिलियन लोगों में ये वॉर्म पाया जाता है। इस वॉर्म की सबसे खास बात यह है कि इस वॉर्म की जो फीमेल पार्टनर होती है वो इसके मेल पार्टनर के यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई गई। चौथा है लोवा लोवा वॉर्म, जिसे आँख का कीड़ा भी कहा जाता है। ये अफ्रीका और नेटिव इथियोपिया में पाया जाता है। पूरी दुनिया में इस वॉर्म से लगभग 3 से 13 मिलियन लोग ग्रसित हैं, और इससे होने वाली बीमारी को लोसिस कहते हैं। ये बीमारी मेनली पत्ता गोभी में ही पाई जाती है, इसलिए अगर आप पत्ता गोभी को खाएं तो उसे उबाल कर खाएं। तो आज का वीडियो ख़त्म होता है।